राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम गुड़हल की बात करते हैं। इधर बहुत अधिक ठंड की वजह से ऐसा लगता है पौधे मानो जहाँ के तहाँ रुक गए हैं। वो गुड़हल पर अब हम फरवरी का महीना है, अगर पूरे सीजन फूल पाना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो पूरे साल आपको गुड़हल ऐसे ही फूल देता रहेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने गुड़हल की साइडों की हल्की सी नलाई गुड़ाई कर लें। हमेशा किनारे से ही मिट्टी की जो खुदाई है वो करनी चाहिए, बीच में से नहीं। इससे क्या होगा, ये इसको हवा मिल जाएगी और ये छोटे छोटे जो इसमें इसके नसें होती हैं वो गुड़हल की जितनी ज़्यादा अधिक होंगी उन्हें नहीं निकालना, काटना नहीं, ये हमारा फूल देने वाला होता है सारा। दूसरे, अगर आपका गुड़हल बहुत बड़ा हो रहा है तो अभी फरवरी में ही आप शुरू में ही इसकी कटाई छटाई कर लें। मैंने थोड़ी पहले ही कर दी थी, 8-10 दिन पहले ही, पर अभी आप अभी भी टाइम है। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग ले रहा है। अच्छी फ्रूटिंग का मतलब ये है कि जितने भी हमारी फ्रूटिंग होगी उतनी ही कलियाँ आएंगी आएंगी। अब इस पर 2-4 काम और हम कर देखते हैं। इस पर अगर आप चाहें तो बनाना जो केक है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप पोटास भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ पोटास वगैरह का, पर मैंने केले का मेरे पास बनाना जो केक है वो ज़्यादा नहीं है, तो कुछ पौधों के लिए, फूलों के लिए और फलों वालों के लिए मैंने थोड़ी सी पोटास मंगाई है। ये 1 चम्मच पोटास आपको एक पौधे में ऑनली लगानी है। इससे क्या होगा, आपके फूल बड़े होंगे। ध्यान रहे पोटास जब भी लगाएं बिल्कुल किनारे पर, तो जो ये रूट हैं वो अपने आप ही इसको भोजन को ले लेती हैं। और उसके बाद आप जो आपका घर का फर्टिलाइज़र है हर 8 दिन में डालते रहें और इसको कवर कर दें। पैनिंग में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि आजकल यहाँ हल्की फुल्की बारिश डेली हो रही है। तो ये छोटे छोटे से आप टिप्स करें और अब पानी का ध्यान रखें तो आपका एक स्वस्थ पौधा आपको पूरे सीजन फूल देगा। ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ गेंदा कितनी कलियाँ हैं। ऐसे मैं अपने इस पौधे को भी दिखा रही हूँ, वो पीला था और ये हाइब्रिड मोटे वाला है, तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी थी। देखिए फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से ले ली है इसने और इसमें छोटी छोटी सी अब कलियाँ भी बनने लगी हैं। बड्स बनने का मतलब है कि इसमें इस हफ्ते अब फूल शुरू हो जाएंगे। तो ये गुड़हल पे आप छोटा सा काम अगर आपने नहीं करा हो तो ज़रूर कर लें। और ये जो आपको पत्तियाँ देख रहे हैं, अगर आपकी भी पत्तियाँ ऐसे सूख रही हों तो परेशान ना हो, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, पौधा नई पत्तियाँ बना रहा है, वो पुराने को गिरा रहा है। बस ये छोटी सी जानकारी गुड़हल पर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं ये आपको जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ।